आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आपका हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में अधिक मास में किए जाने वाले दीप दान के बारे में जानेंगे। अधिक मास में करें दीप दान, बनेगा महादान, क्योंकि इस बार पुरुषोत्तम मास की पूर्णिमा बृहस्पतिवार यानी कि वीरवार को है। मान्यता है कि अधिक मास की पूर्णिमा बृहस्पतिवार में हो तो दीप दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन दीप दान करने से मनुष्य का सोया भाग्य जागता है। वे किया गया दीप दान कई यज्ञों का फल देता है। वीडियो सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। बंधुओं, पुरुषोत्तम मास, अधिक मास अथवा मल मास को हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में सबसे अधिक पवित्र माह माना गया है। कहते हैं जो पूर्ण रूप से अपने आप को परमात्मा के प्रति समर्पित कर देता है, भगवान उसे अपना बना लेते हैं। ऐसे ही जब अधिक मास हर तरफ से उदासीन होकर भगवान की शरण में गया तो भगवान श्री कृष्ण ने न केवल इसे अपना बनाया बल्कि अपने सभी गुण इसे सौंप दिए। यहाँ तक कि अपना नाम पुरुषोत्तम भी इसे दे दिया और सभी महीनों का अधिपति महा इसे बनाया। भगवान ने कहा जो भी अधिक मास में मेरी पूजा करेगा, दान जप तप व्रत करेगा, मेरे प्रति दीप दान करेगा, वह सांसारिक बंधनों से छूटकर अंत में मेरे गोलोक धाम को आएगा। स्वयं भगवान ने हमारे धर्म शास्त्रों में कहा है कि अन्य महीनों के जप तप का फल स्वर्ग के रूप में भोग कर मनुष्य पुनः पृथ्वी पर जन्म लेता है, परंतु जो अधिक मास का सेवन करता है वह मुझे पा लेता है और मैं उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त कर मोक्ष प्रदान करता हूँ। इसलिए प्रत्येक प्राणी को अपने जीवन काल में पुरुषोत्तम मास के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। बंधुओं, इस वर्ष 2020 में अधिक मास 18 सितंबर से शुरू हुआ है और इसका समापन 16 अक्टूबर को होगा और इस पवित्र माह में कल यानी कि 1 अक्टूबर को अधिक मास पूर्णिमा है। इस पवित्र माह के पवित्र दिन पर भगवान पुरुषोत्तम के निमित्त दीप दान करना विशेष एवं शुभ फलों को देने वाला होता है। कहते हैं इस माह में जो भी दान पुण्य किया जाता है उसका फल सैकड़ों गुना होकर मिलता है और उसमें भी भगवान के प्रति दीप दान करना अक्षय फलों को देने वाला होता है। इसलिए कल यानी कि अधिक मास पूर्णिमा के विशेष अवसर पर सभी बंधुजन दीप दान करें। बंधु, दीप दान का अर्थ होता है किसी पवित्र स्थान पर श्रद्धा व भक्ति भाव से दीप जलाना। जैसे भगवान का मंदिर, घर का मंदिर, नदी या तालाब का किनारा, पीपल का पेड़, वैसे तो भगवान के सम्मुख दीप प्रज्वलित करना सदा ही शुभ होता है, लेकिन किसी विशेष अवसर पर अपनी प्रसन्नता भगवान के समक्ष प्रकट करने से भगवान भी हम पर प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते हैं
और हमारे जीवन में से सभी दुखों परेशानियों को दूर कर देते हैं। अधिक मास में दीप दान करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है, व्यापार में वृद्धि होती है, शारीरिक व मानसिक बल की प्राप्ति होती है, नई नई खुशियों का आगमन घर द्वार पर होता है। इसलिए बंधुओं, अधिक मास पूर्णिमा के विशेष अवसर पर पुरुषोत्तम भगवान की विशेष कृपा पाने के लिए कल हम सभी विशेष रूप से दीप दान करेंगे। संध्या के समय एक प्लेट में दीपक रखकर सर्वप्रथम रोली चावल से उनकी पूजा करें, जल का छींटा दें। दीपक आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 5, 7, 9, 11 ले सकते हैं। दीपक पूजन के बाद भगवान की आरती करते हुए एक दीपक भगवान के समक्ष रखें और बाकी दीपक आप घर के नज़दीक स्थित मंदिर में पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। और यदि आप कहीं न जा पाएं तो आप सभी दीपक अपने घर के मंदिर में भगवान के समक्ष लगाएं। श्री हरि से अपने लिए, परिवार के लिए व प्रत्येक जनमानस की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। भगवान के सम्मुख कीर्तन करें, नृत्य करें, भगवत कथाओं का श्रवण करें। बंधुओं, अधिक मास में किया गया दीपदान आप वे आपके परिवार के लिए खुशियों की बहार लाए। श्री हरि की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।